क्या आपने अभी तक अपने बच्चों का विद्यालय में प्रवेश नहीं करवाया है? यदि हाँ तो आज ही करवा लीजिए। शिक्षा हर किसी का मौलिक अधिकार है। आपके सपनों को साकार करने को अंबुजा पब्लिक स्कूल राबड़ी आवास आपके लिए सदैव तैयार है। और अभी प्रवेश करवाने पर विशेष छूट का लाभ उठाइए। साथ ही बालिकाओं के प्रवेश पर किताबों और कॉपियों में भी रियायत मिलेगी। दूसरे बच्चे पर 50% और तीसरे बच्चे पर 25% ट्यूशन फीस पर भी छूट मिलेगी। तो आज ही प्रवेश ले अंबुजा पब्लिक स्कूल राबड़ी आवास। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंसल। अयोध्या जनपद में पंचायत चुनाव को लेकर के प्रथम चरण के मतदान को लेकर वोटरों ने वोट डाला। कोरोना महामारी को देखते हुए सभी वोटरों ने मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग किया और शाम 4 बजे तक 60% वोट तो कुछ ग्राम सभा में 40% वोट डाले। आखिरी चरण के मतदान में मसौदा द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे राजा मानसिंह ने बताया कि जीत करके हम अगर आएंगे तो अपनी ग्राम सभा का पूरा ध्यान रखेंगे और हमने अपनी ग्राम सभा के छोटे विकास कार्य की लिस्ट बना रखी है जो गांव के विकास का होना बाकी है। अगर जनता जनार्दन ने मुझे अपने कीमती मतों से जीत का आशीर्वाद दिया तो मैं अपने ग्राम सभा और पंचायत सभा का पूरा ध्यान रखूंगा और विकास कार्यों को करूंगा। वहीं पूरा ब्लॉक के जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहे श्रीमती रोली सिंह पत्नी आलोक कुमार सिंह उर्फ रोहित ने बताया कि जनता जनार्दन अपना पूरा सहयोग दे रही है और अगर जीत करके अगर हम आए तो अपनी जनता का पूरा ध्यान रखेंगे और छोटे हैं विकास कार्यों को पूरा करेंगे। वहीं आलोक कुमार रोहित ने अपनी ग्राम सभा के सभी ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने जिस तरह से इस भरी गर्मी में अपना मत दिया है उसका मैं सदैव ऋणी रहूंगा। पूरा ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि दिनेश सिंह ने भी अपनी ग्राम सभा की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए कहा कि जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है और अगर जीतूंगा तो अपनी ग्राम सभा का विकास कार्यों को पूरा करूंगा। इस पर विनोद सिंह ने कोरोना महामारी को देखते हुए अपनी ग्राम सभा वासियों से अपील की है कि मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। वहीं शाम 6 बजे तक पूरा ब्लॉक में 70% वोट पड़े। बाकी हमारे यहाँ का माहौल जो है ठीक ठाक है, वैसे कोई गड़बड़ नहीं है। अभी तक कितना परसेंट मतदान हुआ होगा? लगभग हो गया होगा 60% मतदान हो गया होगा। क्या लग रहा है किस तरीके की व्यवस्था है? प्रशासन की ठीक व्यवस्था है। कोविड को लेकर के कुछ प्रभाव देखने को मिला? हर जगह मास्क का उपयोग किया जा रहा है, सैनिटाइजर मास्क। गौरव जी, अगर जनता ने आपकी मम्मी को चुना, चलिए हम जो जनता के लायक जो सेवा हो सकेगी उसे करने में हमेशा तत्पर रहेंगे, दिन रात सेवा करेंगे। क्या अपील करेंगे हम? मतलब कोविड को जितना ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करें। क्या नाम आपका? गौरव वर्मा। शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, जिस तरह यहाँ हल्ला हुआ था अति संवेदनशील था, इसलिए कोविड को भी देखते हुए हर व्यक्ति मास्क सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हुए हर व्यक्ति बूथ पर जा शांतिपूर्वक वोट डाले, अपने अपने घर आए। लोग बता रहे हैं कि 65% हुआ है, हाँ, तो हर व्यक्ति मास्क लगा के गया। कोविड जो एक एक मीटर की दूरी डिफरेंस का पूरा बनाए रखे, कोविड मतलब ऐसा कोई है नहीं। प्रशासन की रवैया ठीक रहा, ठीक है प्रशासन का। कोविड को देखते हुए क्या अपील आप जो है आम जनता? हमारा अपील है कि सब लोग मास्क लगाइए, दूरी बनाइए, सुरक्षा करिए अपना अपना, वही सबसे बढ़िया है कोविड के बारे में। जी, क्या नाम आपका? कौन से ग्राम सभा? राजेपुर। क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र वही राजेपुर ही गांव है, नया पंचायत राजेपुर जनपद। जनपद में श्रीमती रोली सिंह पूरा बाजार द्वितीय क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। क्या रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, देवतुल्य जनता जनार्दन का इतना सहयोग, इतना प्यार आशीर्वाद मिला कि दिल एकदम गदगद हो गया। चारों तरफ एक ही आवाज़ आ रही थी, सिर्फ मेरा निशान गमला था, गमला निशान भैया, सिर्फ गमला। 18 गांव है, 18 गांव में कोई ऐसा गांव नहीं था जहां हम लोग गमला निशान के अलावा कोई निशान का नाम सुना हो हमने। जनता ने मौका दिया तो हमारी प्राथमिकता विकास की रहेगी, गुंडा राज समाप्त करने की रहेगी, क्योंकि हम इन्हीं मुद्दों पे आगे बढ़ रहे थे। विकास के नाम पे, गुंडा राज के नाम पे सरकारी योजनाएं जो हैं उसमें जो भेदभाव होता है, बिना भेदभाव के सभी तक पहुंचाने की बात थी। अनेक सारी प्राथमिकताएं हमारी थी जिसमें प्रमुख प्राथमिकताएं यही थी। अच्छा, कोविड को देखते हुए सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की थी, लेकिन यहाँ ज़मीनी हकीकत कुछ अलग थी, भीड़ ज़्यादा थी। 4 चुनाव एक साथ होने थे 4 पद के लिए, फिर भी
कोविड का जो प्रोटोकॉल था लगभग पालन करने का प्रयास किया गया, हम लोगों ने तो पूरा पालन किया है और यहाँ हमारी आम जनता ने भी पूरा पालन करने का प्रयास किया। सभी लोग मास्क लगाए हुए थे, सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे थे और टेम्परेचर चेक किया जा रहा था। अच्छा ये बताइए, लगभग 70% वोट पड़े होंगे मेरे 18 गांव में, एवरेज निकाला जाएगा तो लगभग 70% वोट जनता पड़ा। जनार्दन से आप क्या जो है अपील करेंगे कोविड को लेकर? जनता जनार्दन से हमारी यही अपील है कि कोविड बहुत खतरनाक मोड में है इस समय, कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन करें, आवश्यकता हो तभी वो बाहर निकलें। इस समय कोविड की वैक्सीन लग रही है, प्राथमिकता पे उसको लगवा लें और ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। सर आज का यहाँ माहौल चुनाव के लेकर? बहुत ही अच्छा रहा है चुनाव का माहौल और बहुत शांति से चुनाव निपटा और हमारा गांव आज संवेदनशील की श्रेणी में आता है, लेकिन कभी भी हमारे गांव में कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ और बहुत ही शांति से चुनाव हमारा। प्रशासन का कितना सहयोग? प्रशासन का बहुत बाखूबी से उनका अच्छा सहयोग रहा है। जनता जनार्दन से आप जो है क्या कहना चाहिए? जनता जनार्दन अब तो सबका नसीब मतपेटी में बंद हो चुका है और हमारा चुनाव जीतने के बाद से लेकर प्रचार तक का हमारा नशा मुक्ति के खिलाफ हमेशा रहा। हमारे और प्रतिद्वंदी गाजा दारू समय गांव में बांटते रहे और हमारे नौजवान साथियों के सहयोग से हम चुनाव जो है पूरी तरीके फाइट करते रहे। अब सबका मत पेटी में जो है किस्मत बंद हो चुका है, अब तो 2 तारीख को पता चलेगा। ये गांव सराय राशि नशाखोरों को चुनाव जिताती है या नशा मुक्त प्रधान को चुनाव जिताती है।